हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में उत्प्रेरकों के कुछ मुख्य औद्योगिक अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो कैटलिस्ट होते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है इंडस्ट्रीज में, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से कैटलिस्ट किस उद्योग में यूज हो रहे हैं, क्या बनाने के लिए, वो सब देखेंगे। देखिए, उत्प्रेरक जो होता है, कैटलिस्ट होता है, इसका मेन काम क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उद्योगों के लिए, क्योंकि उद्योग में क्या होता है कि ऐसा, क्योंकि वहां पे समय का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम समय में अगर हम उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं तो कम समय में जो रिएक्शन है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही कम समय में हमको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो डेफिनेटली कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उद्योगों के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो अनुप्रयोग है देख सकते हैं। पहला है हमारा, समझते हैं हम लोग, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, जिसमें N2H2 गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यूज किया जाता है। सो अमोनिया, ये रिएक्शन तो होगा, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा, अमोनिया बनेगा, जो अमोनिया बनाने वाले जो हैबर विधि के द्वारा, ठीक है, जो उद्योग में जो अमोनिया बन रहा है उसमें अमोनिया बनेगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, सो टाइम को कम करने के लिए हम जो आयरन का जो चूर्ण होता है, ठीक है, एज ए उत्प्रेरक के रूप में इसमें डालते हैं, जिससे ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़ जाएगा, जिससे हमको कम समय में बहुत ज्यादा अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मेन काम यही है कि कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, जिससे हमको बहुत जल्दी प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हर एक उद्योग में, क्योंकि अगर रिएक्शन से जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो डेफिनेटली ज्यादा हम जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और ज्यादा फायदा होगा उद्योगों को। तो उद्योगों के लिए कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से हैबर विधि के लिए जो अमोनिया निर्माण के लिए Fe उत्प्रेरक यूज किया जाता है। इसी प्रकार CONH2 से CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 से जो है हम क्या करते हैं, ये मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी हम उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं, ZN जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों एज उत्प्रेरक यूज करते हैं, जिससे हमारा जो है ये मेथिल अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इसमें भी हम NI उत्प्रेरक यूज करते हैं। इसी प्रकार एथिलीन से का पॉली एथिलीन में बहुलीकरण, ठीक है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनने के लिए जो रिएक्शन होता है उसमें भी हम ये उत्प्रेरक यूज करते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन की उपस्थिति में कार्बनों का भंजन, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उससे जो हम सिंपल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सिंपल हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए जो है हम ये जियोलाइट जो एक उत्प्रेरक होता है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन से जो है लाइटर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, विखंडित मतलब खंड में हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो इसके लिए भी हम जो है जियोलाइट यूज करते हैं। सिंपल है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है और इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जा सकता है कि एथिलीन का पॉलीएथिलीन में बहुलीकरण में कौन से कैटलिस्ट यूज किया जाता है। तो ये कैटलिस्ट आप याद रखिए, ठीक है, मतलब ये पूरे जो रिएक्शंस हैं ये याद रख सकते हैं आप। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में सीस कक्ष विधि से जो है सीस कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण होता है, जिसमें हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। इसी प्रकार सरकरा के विलयन से एथेनॉल का निर्माण, हमने एंजाइम जो कैटलिस्ट जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें डिटेल में समझा था कि क्या होता है। देखिए, सुक्रोज से ईस्ट में जो उपस्थित जो इन्वर्टेज होते हैं, ठीक है, वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज होता है ये ग्लूकोज, जो जाइमेज कैटलिस्ट होता है इससे ग्लूकोज एथेनॉल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है, सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार और एग्जांपल देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए जो संपर्क कक्ष विधि होता है उसमें भी हम प्लेटिनिक्रीट एस्बेस्टस एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। वनस्पति तेलों से के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें भी जो है हम NI, ठीक है, इसमें हम NI निकिल जो है इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए माइकोडर्मा एसिटी नाम के कैटलिस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, सो ये है, मतलब बहुत बेसिक सा है, आपको मेन क्या याद रखना है, ये कौन कौन से कैटलिस्ट कौन से रिएक्शंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट औद्योगिक अनुप्रयोग
उत्प्रेरकों के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझने लायक कुछ नहीं है, आप इसको नोट्स बना के जो है याद कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये मेनली ये नोट्स जो है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, उसका भी आपको डिफरेंट पीडीएफ मिल जाएगा, डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका भी आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।